क्या यह सच है कि 1200 टन वजनी युद्धपोत को सैनिकों सहित गायब किया गया था? क्या यह सच है कि कभी इनविजिबिलिटी और टेलीपोर्टेशन जैसे प्रयोग को अंजाम दिया गया था? दुनिया में कई वैज्ञानिक प्रयोग दुनिया की नजरों से छुपा के होते हैं, जिनके नतीजे कभी डरावने तो कभी उम्मीद से ज्यादा अच्छे होते हैं, और कई प्रयोगों पर तो सरकारें पर्दा गिरा जाती हैं, जो बाद में केवल रहस्य बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। इस प्रयोग में 1200 टन वजनी जहाज कुछ ही पलों में आंखों के सामने से गायब हो गया। इस प्रयोग का नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसके सच होने का कोई भी दावा हमारा चैनल टेक एंड मिथ्स नहीं करता। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में मिशन प्रोजेक्ट रेनबो के दौरान एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। हथियारों और गोला बारूद से लदा हुआ अमेरिकी नेवी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस एल्ड्रिच जहाज, जिस पर लगभग 200 यूएस नेवी के क्रू मेंबर्स सवार थे, एक सीक्रेट मिशन के तहत इस जहाज पर कुछ जनरेटर्स लादे गए। माना जाता है कि ये जनरेटर्स इस प्रकार से डिजाइन किए गए थे कि इनसे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जहाज को दुश्मन की रडार से गायब कर देता। जैसे ही फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, तो अचानक ही जहाज के चारों ओर से हरा धुआं उठने लगता है और जहाज धुंधलाता जाता है। जैसे जैसे धुएं ने जहाज को अपने आगोश में लिया, जहाज लोगों की आंखों से ओझल होता चला गया और देखते ही देखते जहाज गायब हो गया। केवल रडार से ही नहीं, बल्कि सबकी नजरों से भी। फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में खड़ा करीब 1200 टन का जहाज कुछ लोगों की आंखों के सामने से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी वजूद में था ही नहीं। कुछ घंटों के बाद खबर मिली कि यूएसएस एल्ड्रिच जहाज फिलाडेल्फिया से गायब होने के कुछ सेकंड बाद वहां से 300 किलोमीटर दूर वर्जीनिया के एक शिपयार्ड पर पाया गया। इस प्रयोग के नतीजों ने न सिर्फ यूएस नेवी को चौंकाया, बल्कि दहशत में भी डाल दिया, क्योंकि जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स बुरी तरह से जल गए थे और कुछ क्रू मेंबर्स जहाज में धंसे पाए गए। उनका आधा शरीर जहाज में धंसा था तो आधा बाहर निकला हुआ, और कुछ क्रू मेंबर्स का तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था। इस प्रयोग के इन नतीजों को देख यूएस नेवी ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने पर हथियार डाल दिए, और वैज्ञानिकों की टीम इस प्रयोग से मिलने वाले नतीजों के लिए तैयार नहीं थी। आगे चलकर यह खोज कहीं मानव जाति के लिए खतरा न बन जाए, इस वजह से इस प्रयोग पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को यूनिफाइड इलेक्ट्रिक थ्योरी के जरिए अंजाम दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जहाज के चुंबकीय प्रभाव को खत्म करने के लिए उसके चारों तरफ बिजली के तारों को फैलाया गया था और उसमें एक निश्चित मात्रा में करंट दौड़ाया गया, जिससे जहाज से निकलने वाली तरंगों को ना तो रडार की रेंज पकड़ पाई और ना ही फिर वो दिखाई दिया। आखिर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किसके दिमाग की उपज थी, ये तो आज तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन इस पर काम 1930 से ही शिकागो यूनिवर्सिटी में हो रहा था। 1930 में इस प्रयोग में वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी जुड़े थे। 1939 आते आते इस प्रोजेक्ट में और भी विकास किया गया और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अदृश्य करने की कोशिशें की गई। जैसे जैसे इस प्रयोग में रिसर्च आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसमें शामिल वैज्ञानिकों के बीच मतभेद भी बढ़ता जा रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन और डॉक्टर जॉन न्यूमैन में निकोलस टेस्ला की मौजूदगी को लेकर
विवाद चल रहा था। न्यूमैन नहीं चाहते थे कि टेस्ला इस प्रयोग में शामिल हों। इस प्रयोग से कुछ महीने पहले अचानक 7 जनवरी 1943 को निकोलस टेस्ला की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि निकोलस टेस्ला इस प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। फिलाडेल्फिया में हुआ यह एक्सपेरिमेंट टेलीपोर्टेशन की एक विवादित घटना मानी जाती है। हालांकि अमेरिकन नेवी ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट के किए जाने से इनकार करती है। यह एक्सपेरिमेंट हुआ था या नहीं, इसकी सच्चाई अभी तक संदिग्ध है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को सच में अंजाम दिया गया होगा, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए इस षड्यंत्रकारी थ्योरी को जन्म दिया? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।